आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर। लेकिन क्या आपको पता है, इस मंदिर में पूजे जाने वाले तिरुपति बालाजी असल में गरीब हैं और कर्ज तले दबे हुए हैं। ये मंदिर तो अमीर है लेकिन यहाँ के भगवान गरीब हैं। आज के इस वीडियो में हम भगवान के गरीब होने से लेकर वेंकटेश्वर बालाजी बनने की उस रोचक कहानी के बारे में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक बार की बात है, नारद मुनि गंगा नदी के तट पर गए जहां ऋषियों का एक समूह भ्रमित थे और वे तय नहीं कर पा रहे थे कि उनके यज्ञ का फल किसे मिलेगा। वे तीन मुख्य भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच भ्रमित थे। नारद ने ऋषि भृगु को तीन सर्वोच्च देवताओं का परीक्षण करने का एक विचार दिया। ऋषि भृगु ने भी प्रत्येक भगवान के पास जाकर उनकी परीक्षा लेने की निश्चय किया। सबसे पहले वे भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन उस समय ब्रह्मा जी वीणा की धुन में लीन थे, इसलिए उन्होंने ऋषि भृगु की तरफ ध्यान नहीं दिया। इससे ऋषि भृगु क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि कोई भी मंदिर में उनकी पूजा नहीं करेगा। इसके बाद ऋषि भृगु कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ एकांत में वार्तालाप कर रहे थे। भृगु ऋषि के यूं अचानक आ जाने पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और ऋषि भृगु का अपमान करने लगे। यहां भी ऋषि भृगु ने भगवान शिव को श्राप दे दिया कि विश्व में उन्हें केवल लिंग रूप में पूजा जाएगा। अंत में वे भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन उन्होंने भी ऋषि भृगु को नहीं देखा, जिसे ऋषि भृगु और भी अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु के छाती पर लात मारा। क्रोधित होने के बजाय भगवान विष्णु ने ऋषि के पैर की मालिश की और उन्हें पूछा कि उनके कठोर छाती पर लात मारकर उन्हें चोट लगी है या नहीं। यह सुनकर ऋषि भृगु का क्रोध थोड़ा कम हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित रहेगा। लेकिन भगवान विष्णु के छाती पर लात मारने के इस घटना ने माता लक्ष्मी को क्रोधित कर दिया। वे चाहते थे कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंड दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए पृथ्वी पर आए। इस घटना से प्रभावित होकर भगवान विष्णु भी वैकुंठ में बहुत दुखी हो गए और एक दिन माता लक्ष्मी की तलाश में वैकुंठ छोड़कर विभिन्न जंगलों और पहाड़ियों में भटकने लगे, लेकिन उन्हें माता लक्ष्मी नहीं मिली। भगवान विष्णु एक चींटी की पहाड़ में अपने आश्रय के रूप में रहने लगे। ये देखकर भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की मदद करने की फैसला की, इसलिए वे एक गाय और बछड़े के रूप में परिवर्तित हो गए और माता लक्ष्मी के पास गए और उन्हें विष्णु के बारे में समस्त बातें बताए कि कैसे भगवान विष्णु खाना पीना छोड़कर एक चींटी की पहाड़ में रहते हैं। उनकी मदद करने के लिए उन गाय और बछड़ों को राजा यादव नरेश को देने के लिए विनती की। माता लक्ष्मी एक ग्वालन का रूप धारण करते हुए राजमहल में पहुंचे और उन गाय और बछड़ों को राजा यादव नरेश को दे दिया। राजा अपने मवेशियों को चराने के लिए वेंकटाधार पर्वत पर भेजते थे। गाय के रूप में ब्रह्मा प्रतिदिन उस चींटी की पहाड़ पर अपना स्तन खाली करने लगी और भगवान विष्णु को खिलाने लगी। लेकिन एक दिन गाय को चरवाहे ने देख लिया। उसने क्रोध से गाय को मारने के लिए अपना कुल्हाड़ी फेंक दिया, परंतु वो कुल्हाड़ी बाहर निकलने वाले भगवान विष्णु को लग गई। गुस्से से विष्णु ने उस कुल्हाड़ी को वापस चरवाहे की ओर फेंक दिया, जिसे चरवाहे की मौके पर ही मौत हो गया। राजा यादव नरेश को भी विष्णु ने अपने सेवक द्वारा किए गए पाप के कारण दानव बनने का श्राप दिया था। राजा ने दया और निर्दुष्टता की याचना की, तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वे अपने अगले जन्म में आकाश राजन के रूप में पैदा होंगे और जब विष्णु की पद्मावती के साथ विवाह के दौरान विष्णु को आकाश राजन से मुकुट भेंट की जाएगी, तब जाकर श्राप समाप्त हो जाएगा। समय का चक्र चलने लगा। भगवान विष्णु ने खुद को श्रीनिवास के रूप में अवतारित लिया और वे वेंकटाधार पर्वत पर रहते थे और उनकी माता वकुल देवी द्वारा उनकी देखभाल की जाती थी। उधर आकाश राजन का भी जन्म हो चुका था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन खेत जाते समय
उन्हें सोने के बक्से के अंदर कोमल के फूल पर लिपटी एक बच्ची मिली। उन्होंने उसका नाम पद्मावती रखा। एक दिन श्रीनिवास शिकार की होड़ में थे और एक हाथी का पीछा कर रहे थे, लेकिन हाथी एक बागीचे में छुप गया जहां पद्मावती अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। हाथी ने सभी को धमकाया। श्रीनिवास ने वहां बागीचे में सबको बचाया, लेकिन श्रीनिवास पद्मावती की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और उनके बारे में भी पूछा। घर आकर श्रीनिवास ने अपने माता बकुल देवी से कहा कि वे पद्मावती से शादी करना चाहते हैं। ये भी पता चला कि वे भगवान विष्णु हैं और बकुल देवी अपने पिछले जन्म में माता यशोदा थी। उन्होंने ये भी कहा कि वे जब तक पद्मावती से शादी नहीं कर लेते तब तक उन्हें शांत नहीं किया जाएगा। बकुल देवी विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा आकाश राजन के पास गए। रास्ते में बकुल देवी ने भी पाया कि पद्मावती भी अपने दासियों के माध्यम से श्रीनिवास से प्यार करती थी। जब राजा आकाश राजन को इस बात का पता चला तब उन्होंने इस विवाह के लिए ऋषि बराहपति से सलाह ली। बराहपति ने बताया कि पद्मावती का जन्म इसी जन्म में भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए हुआ है और श्रीनिवास ही भगवान विष्णु हैं। ये जानकर सभी बहुत खुश हुए और शादी तय हो गया। श्रीनिवास ने सबसे भव्य विवाह समारोह की आयोजन कराने के लिए कुबेर से पैसे उधार लिए थे। ये ऋण इतना बड़ा है कि इस ऋण का कर्ज भगवान वेंकटेश्वर के सभी भक्तों द्वारा मंदिर में धन जेवरात और आभूषण आदि दान कराकर चुकाया जाता है। मान्यता है कि कलयुग के समाप्ति के साथ ही ये ऋण भी पूरा हो जाएगा। खैर, माता लक्ष्मी को जब भगवान विष्णु के पुनर्विवाह के बारे में पता चला तब उन्होंने भगवान विष्णु का सामना करने का फैसला किया। लेकिन श्रीनिवास ने जब महालक्ष्मी और पद्मावती को एक साथ एक स्थान पर सामना किया तब उन्होंने खुद को एक ग्रेनाइट रॉक मूर्ति में परिवर्तित कर दिया। तब भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने आकर समझाया कि कलयुग में लोगों के कल्याण और मुक्ति के कारण ही भगवान विष्णु ने यह सब लीला की है। ये जानने के बाद माता लक्ष्मी और पद्मावती भी भगवान वेंकटेश्वर के साथ वहीं रहने का फैसला किया। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के बाएं छाती पर और पद्मावती दाएं छाती पर रहते हैं। तो ये था भगवान वेंकटेश्वर बालाजी बनने की कहानी। लेकिन तिरुमला तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसे चमत्कार और रहस्य हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।